आज दिन ब्याहता लड़के दे उन्हां दे सहुरे परिवार दे वल्लों कीते जांदे जुल्मां दी दास्तान अखबारां दी सुर्खी बनदी रहिंदी है। इसे तरह मलेरकोटला वासी खुशबू पुत्री फिरोज अली जो कि स्थानक सिविल अस्पताल विच जेरे इलाज है, उसने दस्सिया कि उसकी शादी करीब 6 साल दे पहला संगरूर दी जरार वस्ती विखे होई सी। पीड़िता के अनुसार उसका सहुरा परिवार उसके वधेरे दाज नूं लै के पहले दिन तो ही जुल्म करता रहा। इस विच उसदियां 3 ननदां, सस, सहुरा अते उसका पति शामिल है। उसने दस्सिया कि उसका पति 2-3 होर शादियां भी इस हादसे दौरान करा चुका है। उन्होंने विचों एक नूं अजे भी उसने रखा होया। 10 सालां दे एक पुत्र की माता खुशबू अनुसार हुण भी 2 दिन पहला उसके सारे परिवार ने मिल के बुरी तरह कुटमार की अते उसके कपड़े तक भर दिते। पीड़िता के पिता फिरोज अली ने दस्सिया कि उन्होंने उन्होंने बेटी के ससुराल विचों गुआंढियां ने फोन करके दस्सिया कि जेकर हुणे उह ना पुज्जे तां उह खुशबू नूं मार देंगे। इसके चलदे मौके पर पुजे और अपनी बेटी को नाल ले आए जो कि हुण सिविल अस्पताल विखे जेरे इलाज है। दोवें प्यो धी ने मांग की है कि खुशबू के सहुरे परिवार के खिलाफ बनती सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लिया जाए। साडी नण दा जिहड़ी सकीना सकीना वह मैं बहुत तंग करती है। जब मैं कहीं जाती है कुछ रोटी या सब्जी कुछ खाने जाते कोई भांडे छोड़ने दे जब मैं जाती है तो गर्म पानी उपर डोलती है। वो मेरे जब मैं गर्म पानी जब मैं कह क्यों डोलती है कहती मैं थोड़ा जहर की गोली दे दाँगी मर जाएंगी। कहती मैं थोड़ू मैं हमें रहन नहीं देवगी। साडा घर आ थोड़ा कोई हक नहीं है और जिताण का। फिर उस बाद मैं कहती कि साडा भी घर आ कहती साढ़े बाप का घर आ कि असी रहे। फिर तिना कुड़ियाँ जब मैं ज़्यादा बोलना तिना कुड़ियाँ मैंने ढा के कुटिया मैनू हमेशा। साड़ी मैरिज हुई संगरूर च जी जुझार नगर 4 नंबर गली च। 5-6 साल हो गया 6 साल लगे हुए। कहती मैं थोड़े पिछे साड़ी कुड़ियाँ नहीं कटागी घरों बाहर। सस जी रसीदा नाम है जी वह। कहती मैं थोड़ी कुड़ियाँ नहीं कटागी। जब मेरा हसबेंड आता मेरा दूजा विआह करा रखे जी मेरा हसबेंड आता मैं पूछता नहीं कुछ नहीं। जब उन्होंने लैके आता मैं कहती उन्होंने क्यों घर बाड़ता। कहता क्या मैं बाड़ूंगा नाल आप भी कुट के जाता नाल वो भी कुट के जाता मैनू। कहना ज़्यादा करेगी मैंने एक बार बहुत कुट के गया मेरे अखा उखा सारे लीलिया करेगा। तुम थोड़ू विश्वास नहीं तुम जाके साढ़े गुआंढ़ों को पूछ लो उन्होंने मेरी हैल्प की। जो कुछ हैल्प करती उन्होंने लड़ती है मेरी सस सारी लड़ती है। कहती साढ़े गलिया के कुत्ते ने अस मैं ये करती मैं सब इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं तुम साड़ी मदद कर दो। मेरा नाम मोहम्मद फिरोजदीन है। मोहम्मद फिरोजदीन मामला जी लड़की नूं ब्याह नूं 6-7 साल हो गए। तकरीबन मैं कई बार उन्होंने मौका दिता है भी इहदे सस सहुरे आके माफ़ी मांग के ले जाते सी। इहदा घर वाला जिनी 2-3 ब्याह करा चुके है तो उस तो बाद इहनूं कुटदा मारदा बहुत ज़्यादा है तो दहेज का मंग कर रहा है मेरे को। मैं जिन्ना मेरे तो होया मेरे तो दिता गया वधिया जो इहदा ब्याह किया उस टाइम भी वधिया रोटी मैंने की है जिहड़े बरात लेके आए थे बहुत वधिया तरीके नाल मेहमान खाना मैंने मेहमान नमाजी वधिया किया। उस तो बाद मैं गुआंढी इहदे पड़ोसी का मैं फोन आने लग गया कहिंदे यार जे तुहाडी लड़की मार देंगे फिर तुसीं आके लेके जाओगे। कहिंदा तुहाडी लड़की की हालात बहुत बुरी की हुई है इन्होंने कि तुसीं आके ले जाओ। जो मैं देखा तो भी इहदी बहुत बुरी हालात सी तो इस कंडीशन दे विच भी इह तों बोलिया नहीं जांदा सीगा तो इहदा मुंडों कुंड कंड सारे मुड़ गए सीगे। तो फिर मैं देखा मैं कहा भी जी हालात ठीक नहीं है तो उस तो बाद सहुरे साहब ने बुलाया मैं कहा भाई जी। कहिंदा जी मेरी तो कोई चलती है नहीं ना मेरे कोई सुनते है। मैं जब तेरी सुन तू तेरी चलती ही नहीं है ना तेरी कोई ना तेरे घर से कोई सुनता वा तो उस तो बेहतर इतने रखने का फायदा ही की है भी कुड़ी तू साडे नाल तोड़ दे भी असं लेके जाने फिर इसकी ट्रीटमेंट करवावे। ट्रीटमेंट करवा जो होगा सब तो बनती करवाई अभी करवावे। कहिंदा जी तुम जो मर्जी कर लो जाके इस करके कल फिर इन्होंने लिया मैं लिया के फिर इतने मैं ट्रीटमेंट इन दवाया तो कल यदि हालत खराब रही है। इस करके मैं चाहना भी प्रशासन तो भी थोड़े को भी चाहना भी तुम हेल्प करो कोई कार्रवाई करी। हाँ पुलिस ने MLR कर चली गई है जी। हेल्प पुलिस वैसे बयान लेने आई नहीं हैगी। पुलिस वाले मेरी गल हुई है वो कहते भी असं आ रहे हैं रास्ते चाहिए।